अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? यकीनन हैर आफियत से होंगे। तो जी, अभी सुबह नाश्ते का टाइम है, तो आज हमने सोचा कि क्रेप से नाश्ता किया जाए, इसलिए मामा बना रही हैं क्रेप। तो अभी उन्होंने डाला है जी दूध, इसमें दो अंडे और मैदा डालेंगी और चीनी डालेंगी। और मामा का होता है कि वो अपने अंदाजे से ही सब कुछ डाल लेती हैं। जी वो इसमें डाल रही है मैदा, और मैदा डाल के इसे करेंगी अच्छी तरह से मिक्स। और अभी मैंने उन्हें करके दिया है जी घी गरम, तो वो भी डालेंगी इसमें। घी डालेंगी अभी और फिर इसे फिर से मिक्स करेंगी। जी अभी मामा ने क्रेप डाल दिया है तवे पर, और मामा जब क्रेप बनाती हैं तो इसको बिल्कुल धीमी आंच पे पकाती हैं ताकि बीच से अच्छी तरह से पक जाए। आपने देखा होगा कि जो बाहर से अक्सर क्रेप मिलते हैं वो एकदम से पक जाते हैं एकदम से, तो इसलिए वो बीच से ना कच्ची होती है। तो इसे घर पे जो क्रेप बंदा बनाता है वो आराम आराम से धीमी आँच पर बनाता है, तो वो अच्छी तरह से पके होते हैं। इसे बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, और बाहर के क्रेप तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद और ना ही मेरे बच्चों को पसंद है। अभी क्रेप रेडी हो गया है, अब मैं इस पर लगाऊंगी नुतेला। और नुतेला फ्रिज में पड़ा हुआ था और वो सख्त हो गया, मैंने सोचा इधर तवे पर ही नुतेला लगा लेती हूँ कि इजी लग जाएगा। तो अभी मेरा क्रेप रेडी हो गया खाने के लिए। चलें जी, अभी हम जा रहे हैं बाहर, तो हमने करनी है जी थोड़ी सी शॉपिंग, उसके बाद हम आज डिनर भी बाहर ही करेंगे। तो अभी हम गाड़ी में बैठ के वेट कर रहे हैं, रेड सिग्नल हुआ है, और ये देखें कितने प्यारे फूल हैं। और अभी हम जा रहे हैं डिनर करने, तो अभी इतनी रात तो नहीं हुई लेकिन बच्चे होते हैं साथ, तो फिर थोड़ा सा जल्दी ही डिनर करना पड़ता है क्योंकि फिर वो थक जाते हैं, उन्हें नींद आई होती है, तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं डिनर करने। तो अभी हम पहुंच गए हैं जी क्विक, और ये क्विक जो होता है मैकडोनल्ड के जैसा होता है, पाकिस्तान में जो मैकडो होता है, शायद क्विक नहीं होता पाकिस्तान में, मैंने तो नहीं सुना कि क्विक होता है। तो मैकडो जैसे पाकिस्तान में मैकडो, यहाँ पे क्विक, यहाँ पे भी मैकडो होता है, क्विक एक जैसे ही है। तो काफ़ी रश है यहाँ पे, तो अभी हम करेंगे जी आर्डर। और मोहम्मद देख रहे हैं खिलौनों को।
तो मेरे हस्बैंड करने लगे हैं ऑर्डर। वो पहले बच्चों के लिए ऑर्डर करेंगे, बच्चे खुद ही बताएंगे कि किसको क्या खाना है, वो फिर उसके बाद बड़ों के लिए। ये ऐसे इजी हो गया ना, खुद ही से जो चीज़ बंदे को अच्छी लगे खुद ऑर्डर कर सकता है। अगर ना भी ज़बान आती हो फ्रेंच के क्या कहना है, तो यहाँ पे बंदा खुद कर सकता है। तो जी अभी हम बैठे हैं, तो अभी आ जाएगा हमारा ऑर्डर। चले जी, आ गया हमारा डिनर। तो ये है जी फ्रेंच फ्राइज। ये हमारे बर्गर, ये फिलो फिश, और ये है फिलो फिश, फ्रेंच फ्राइज, फीट, फ्रेंच में इसको कहते हैं फीट। और ये है जॉइंट बर्गर। यहाँ का जॉइंट बर्गर और फिलो फिश बहुत मज़े का होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अभी हमारा हो गया डिनर, अभी हम जा रहे हैं जी वापस घर। और अभी रात का टाइम है और पेरिस की रात। अच्छा लग रहा है बाहर। तो अभी हम जा रहे हैं वापस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और मुझे लाइक भी कीजिएगा। तो फिर चले मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।